Hello students, good morning. Today I will start you classification of maps. ठीक है, ये आपका geography lesson 4 का आज second topic है. कल आपको map के advantages और map में क्या disadvantages है इसके बारे में हमने बता रखा है. आज है classification of maps. जो maps है उस map को किस तरीके से classification किया गया है. Map can be several kinds depending on the feature of representation on them. जो मैप है वो several kinds ही होती है जिसमें different feature represents होते हैं. मैप को broadly three types से divide की गई है. First है physical map, second है political map और second है third है thematic map. Firstly we are discuss about physical map. Map which shows natural feature of the earth such as mountains, plateaus, plains, river, oceans, etc. are known as physical or relief maps. ऐसी map जिसमें earth की कुछ natural feature जैसे mountain, plateaus, plain, river और ocean को represent किया जाता हो, ऐसे map को हम फिजिकल फीचर कहते हैं. ठीक है, जिसमें कुछ नेचुरल फीचर, अर्थ के नेचुरल फीचर, माउंटेन है, प्लेटोज है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियन है, इन सब को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरीके के मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं, भौतिक मैप कहते हैं. ठीक है, मैप दैट रिप्रेजेंट फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन, प्लेटो, डिजर्ट्स एक्सेट्रा आर नोन एज फिजिकल मैप और रिलीफ मैप्स. नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप की मैप है वो है पोलिटिकल मैप. पोलिटिकल मैप का मतलब होती है ऐसी मैप जिसमें स्टेट, उनकी कैपिटल, उनकी बाउंड्री, उनकी लोकेशन, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता हो, तो इस तरीके के मैप को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं. मैप्स विशोस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट विद देयर कैपिटल एंड लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स आर नोन एज पॉलिटिकल मैप. ऐसी मैप जो किसी भी स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या फिर डिफरेंट कंट्री की या फिर डिफरेंट स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उसके कैपिटल्स और उसके लोकेशन और उसकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में रिप्रेजेंट किया जाता हो, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और इम्पॉर्टेंट टाउन के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इस मैप को हम कहते हैं पॉलिटिकल मैप. ठीक है, जैसे ये आप फिजिकल मैप देखेंगे, ये फिजिकल मैप है. ठीक, इस फिजिकल मैप में दिखाया गया है ठीक कृष्णा रिवर दिखाई गई, नॉर्दर्न माउंटेन दिखाया गया, ठीक है, साउदर्न प्लेटोज दिखाई गई, तो इन सारे फीचर्स को दिखाई गई, इस नाते ये जो है वो फिजिकल मैप है. ठीक है, जैसे ये दिखाया गया, ये साउदर्न प्लेटोज है, ठीक, ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, थार डिजर्ट्स है, ये गुजरात का कोस्टल रीजन्स है, कौन कौन कोस्ट है, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये कोसी रिवर है, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर है, स्वांगो रिवर्स है, महानदी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है. ये नर्मदा रिवर है, ठीक है, तो इसमें रिवर, ओशियन, माउंटेन, प्लेन्स को रिप्रेजेंट किया गया है, इस नाते ये फिजिकल मैप है. ठीक, नेक्स्ट बात आती है पॉलिटिकल मैप. ठीक है, तो पॉलिटिकल मैप में आपने पढ़ा कि पॉलिटिकल मैप ऐसी मैप होती है जो किसी भी कंट्री या स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट स्टेट और उनके कैपिटल के बारे में बताई जाती है, उसको हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं. जैसे हम देखते हैं, जैसे इसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो ये जो मैप है, ये मैप कौन सी मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेट दिखाई जा रही है, ठीक है, स्टेट दिखाई जा रही है और उनकी कैपिटल भी हम इसमें रिप्रेजेंट हो सकता था, तो अगर कैपिटल भी रिप्रेजेंट हो रहा तो ऐसे को हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, ठीक। तो पहला हमने जाना जिसमें फिजिकल फीचर, मतलब ग्राउंड, माउंटेन, वैलीज, प्लेटोज, इसके बारे में बताया जाएगा, वो फिजिकल मैप होगा। दूसरा, उस स्टेट के कैपिटल के बारे में, उस स्टेट के इम्पोर्टेंट सिटीज़ या उस कंट्री के इम्पोर्टेंट सिटीज़, कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में बताया जाएगा, तो पॉलिटिकल मैप होगा। नेक्स्ट बात आती है थीमेटिक मैप, किसे कहते हैं ये हम देखेंगे। थीमेटिक मैप है मैप विच फोकस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट रोड्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रेलवेज, रेनफॉल, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट एक्सेट्रा आर नोन एज थीमेटिक मैप। ऐसा मैप जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रोड के बारे में बताए, बिल्डिंग्स, रेलवेज, रेनफॉल, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी, इन सब के बारे में बताए, लिटरेसी रेट के बारे में बताए, तो इसको हम थीमेटिक मैप कहते हैं, ठीक। तो ये है, ये आपका रहा थीमेटिक मैप, जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉपुलेशन कैसी है जयपुर में, लैंड एरिया कैसी है, ठीक है, रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, तो इन सब को हम थीमेटिक मैप कहते हैं। नेक्स्ट आती है कंपोनेंट्स ऑफ मैप के बारे में हम देखेंगे। जो मैप को अगर हम बनाते हैं तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जो मैप्स होती है, मैप में बहुत सारी लैंड फीचर को कंसाइज किया जाता है, ठीक है, वो डिस्टेंस, डायरेक्शंस और सिंबल का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस, ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ मैप है उनमें फर्स्ट है डिस्टेंस। जो डिस्टेंस है वो है द अर्थ इज सो वेस्ट दैट इम्पॉसिबल ड्रा टू रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर, इट इज एसेंशियल दैट बी रिड्यूस द साइज, ठीक है। जो डिस्टेंस होती है अर्थ की बहुत बड़ी होती है, उसको पेपर में रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल है, इस नाते इसको उसके साइज को रिड्यूस करते हुए इसमें इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और जो आगे की टॉपिक है उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज में मैं दूंगा, लीनियर स्केल और स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।